हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है कि एसी लेना है लेकिन कौन सा लें, विंडो एसी लें या स्प्लिट एसी लें, क्योंकि रूम के अंदर पता ही नहीं है विंडो लगेगा या स्प्लिट लगेगा। कई बार क्या होता है, विंडो तो होती है, डेढ़ टन का एसी ले लिया लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, विंडो भी छोटी है। तो ऐसी समस्या के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आज आपकी सॉर्ट आउट कर दूँगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि विंडो एसी लें या स्प्लिट एसी लें। बहुत सारी बातें हैं, तो वो मैं सारी आज इन दोनों का आपको डिफरेंस बताऊँगा कि कहाँ पे कौन सा एसी सूटेबल होता है। कई जगह कुछ लोगों को नॉइज़ पसंद नहीं होती, कुछ को विंडो की लुक पसंद नहीं होती, किसी को स्प्लिट पसंद नहीं होता। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंस है, और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर खुद के अंदर भी विंडो और स्प्लिट एसी के अंदर फ़र्क होता है, जो कि मैं आज आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूँगा। तो सबसे पहले विंडो एसी, आपको पता है सिंगल मशीन होती है जो कि विंडो के अंदर इंस्टॉल होती है। उसके अंदर जब आप एसी चलाते हो तो कंप्रेसर उसके अंदर ही होता है, उस मशीन के अंदर। जब कंप्रेसर ऑन हुआ तो थोड़ी सी नॉइज़ आएगी उसके अंदर, रूम के अंदर थोड़ी सी कंप्रेसर की नॉइज़ रहेगी। वैसे तो अब रोटरी कंप्रेसर आते हैं, उनकी नॉइज़ पहले वाले कंप्रेसर से कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नॉइज़ पसंद नहीं होती या उनको नींद नहीं आती है नॉइज़ की वजह से। थोड़ी सी नॉइज़ होती है, इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, कोई इतना बड़ी। और कुछ लोगों की बिल्कुल ही साइलेंट एरिया चाहिए होता है सोने के लिए। तो एक तो विंडो एसी के अंदर थोड़ी सी नॉइज़ रहती है, जबकि स्प्लिट एसी में दो यूनिट होते हैं, एक होता है इनडोर और एक होता है आउटडोर। आउटडोर के अंदर कंप्रेसर होता है हमारा, वो बाहर लगता है, आउटसाइड लगता है, रूम के अंदर नहीं होता। वो रूम के अंदर होता है इंडोर, जो कि बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे चलता है। तो पहला तो फर्क ये हो गया कि जिस अगर आपको नॉइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे आपको एसी चाहिए, तो आप स्प्लिट एसी लीजिए। नहीं तो विंडो में थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आएगी, इतनी नहीं आएगी भी कि आपसे सोया ना जाए, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल ही आवाज़ पसंद नहीं होती है। अब कुछ कस्टमर ऐसे हैं हमारे जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, विंडो एसी लिया लेकिन उनको बाद में विंडो एसी तो लेना ही पड़ा, उसके अलावा स्प्लिट भी लेना पड़ा, क्योंकि वो रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको नॉइज़ कुछ को हो जाती है, सोते समय परेशानी होती है, भी हमें बिल्कुल ही साइलेंट चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप रेंट पे रहते हैं या आपकी जॉब ऐसी है कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप विंडो एसी ही लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, विंडो एसी आप कहीं पे इंस्टॉल कराएंगे तो उसको आराम से उतार के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्प्लिट एसी लेंगे, पहले तो आप स्प्लिट लेंगे तो स्प्लिट को उतारने इंस्टॉलेशन और डिसमेंटली में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि इंडोर टू आउटडोर पाइप लगता है। अब मान लीजिए किसी मैकेनिक ने उतारा और उसके पाइप में गैस होती है, वो पाइप किसी तरह से ब्रेक हो गया तो गैस निकल जाएगी। दूसरा, मान लो पाइप उतार रहा है और पाइप उतारते समय पाइप बेंड हो गया तो भी आपका पाइप वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए कहीं पे शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे विंडो एसी तो आपने आराम से विंडो में इंस्टॉल करवा लेना है, लेकिन अगर आप स्प्लिट एसी लगवाते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 20 फुट पाइप लगा हुआ था, वहाँ पे आपकी आउटडोर लगाने की जगह नहीं है, 3 मंजिल ऊपर तक जाना है एसी आउटडोर मशीन, तो वहाँ पे कम से कम भी 50 फुट पाइप लग जाएगा आपका। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो या आपकी जॉब ट्रांसफ़र है तो कोशिश कीजिए, हो सकता है आपके पास जहाँ पे आप पहली बार शिफ्ट हो वहाँ एसी लगवाना है, वहाँ विंडो की जगह ना हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर विंडो की जगह है तो कोशिश कीजिए आप विंडो ही एसी लगवाइए, बहुत फ़र्क है
रेंट वालों के लिए बहुत परेशानी होती है, रेंट पे जब एसी लगाया रहते हैं तो इधर कभी शिफ्ट भी होना पड़ जाता है, या ट्रांसफर वालों के लिए भी आज यहाँ पे डूब गया तो 6 महीने बाद साल भर कहीं और भी हो सकती है, तो उस वजह से बड़ी परेशानी होती है। अब जो अगला डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, विंडो एसी जब आप फिट कराएंगे तो विंडो एसी तो विंडो में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट एसी आप इंस्टॉल कराएंगे तो कई बार क्या होता है, एलईडी के ऊपर इंडोर इंस्टॉल कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार मकान ऐसा बना होता है स्पेस ही वहाँ पे होता है या पाइपिंग ऑलरेडी वहीं पे हुई होती है, जहाँ पे इंडोर आप लगा रहे हैं उसके नीचे एलईडी है, तो उसका वहाँ पे एक तो सर्विस होने में बड़ी परेशानी होती है। विंडो एसी हो तो आप कहीं से भी किसी भी विंडो में हुआ उतारेंगे वो वॉश हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट एसी के अंदर एलईडी के ऊपर जब आप इंडो लगाएंगे तो वहाँ पे सर्विस करने में बड़ी परेशानी आएगी, पानी या गिर गया एलईडी के ऊपर तो पानी एलईडी ख़राब हो जाएगी। दूसरा आउटडोर मशीन, कई बार आउटडोर मशीन को भी कई बार स्पेस नहीं होता, ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे इंस्टॉल तो हो गई लेकिन जब वॉशिंग का टाइम आता है सर्विस का या रिपेयरिंग का भी टाइम आता है तो उसका ढक्कन तक भी नहीं खोलता, क्योंकि उसका लेंटर कई बार हमने देखा है लेंटर के बिल्कुल साथ में सटा के लगाया होता है, इतनी जगह पे आउटडोर मशीनें लगी होती हैं, आपने भी देखी होंगी इतनी जगह पे आउटडोर मशीनें लगी होती हैं, वहाँ पे ढक्कन भी नहीं खुलता, वहाँ पे सर्विस होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसी तरह की रिपेयरिंग होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक डिफरेंस ये भी है कि इन दोनों के अंदर अगर आपके पास स्पेस है, छत है या मैं कह रहा हूँ बालकनी है, बालकनी में भी लगते हैं आउटडोर मशीन, तो आप तब स्प्रिट लीजिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप कोशिश कीजिए विंडो के एसी की लेने की, क्योंकि आउट जब तक वॉशिंग एक साल चल जाएगा, डेढ़ साल चल जाएगा, दो साल, एक टाइम ऐसा आएगा जब मशीन बिल्कुल चोक हो चुकी होगी या उसके अंदर कोई रिपेयरिंग का काम आ गया तो कहाँ पूरी पूरी मशीन उतारनी पड़ेगी आपको। एक डिफरेंस, आप लोग ये भी सोचते हो कि विंडो एसी बिजली कम खाता है और स्प्लिट एसी बिजली ज़्यादा खाता है, लेकिन टेक्निकली अगर आपको मैं बताऊं तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही बिजली खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजली खानी है ना मेन, वो कंप्रेसर ने खानी है, और कंप्रेसर दोनों के अंदर सेम लगा होता है, सेम साइज का लगा होता है, सेम कंपनी का ही लगा होता है ऑलमोस्ट, तो डेढ़ टन का एसी है तो डेढ़ टन का कंप्रेसर दोनों में बराबर का ही लगा होता है। मेनली जो आप अगर आप ये सोचते हो कि विंडो एसी ज़्यादा बिजली खाएगा, कम बिजली खाएगा, स्प्लिट एसी बहुत ज़्यादा खाएगा या स्प्लिट कम खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी की बातों में मत आओ भी बिजली का फर्क आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिजली दोनों ने बराबर की खानी। मेनली डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस यही होता है मेंटेनेंस का, एक इंस्टॉलेशन का, कहाँ पर इंस्टॉल हो, आप रेंट पर रहते हैं या अपना मकान है, तो वो इन चीज़ों का बहुत बड़ा मायने होता है। दूसरा, अगर आपकी अपनी मकान है, विंडो है, तो विंडो लग सकती है, वहाँ स्प्लिट भी लग सकता है, ऐसा नहीं है वहाँ स्प्लिट नहीं लगेगा, जहाँ विंडो है ज़रूरी नहीं है आपने वहाँ स्प्लिट ही विंडो की लगवाना, स्प्लिट नहीं लगा, वहाँ स्प्लिट भी लग सकता है, ऑप्शनल है, बस ये है कि आपने देखना है स्पेस हो, स्पेस होना चाहिए आपके घर पे, आउटडोर मशीन लगाने का स्पेस होना चाहिए, आपने ये देखना है मेंटेनेंस बाद में आराम से हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेनली जो डिफरेंस था विंडो एसी और स्प्लिट एसी के अंदर यही है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।